नारे लगाओगे आप? गहलोत सरकार, गहलोत सरकार रजाई से बाहर आओ, अभी ऐसी जगह में रजाई ओढ़ के सो गए। गहलोत सरकार रजाई से बाहर, राजस्थान में शासन चुनाव बाल करो, पूरे राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, आज मैं जहां उपस्थित हूँ आपके बीच में, आज से 24-25 साल पहले इस विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था और शासन अध्यक्ष बन के जो लड़ाई राजस्थान के अंदर मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ी, गांव के स्कूल से पढ़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी अध्यक्ष तक का सफर, और जब मैं विधायक बना मुझे अच्छी तरह याद है उस समय भी वसुंधरा सर, तत्कालीन 3 से 8 की वसुंधरा सरकार ने राजस्थान में शासन के चुनाव बंद करा दिए थे। भाइयों शपथ ग्रहण के बाद जब पहली बार बोलने का अवसर मिला तो शासन चुनाव कराने की बात भी करी और बेल में धरना दिया और मुख्यमंत्री हाउस में थे जब तक खड़े होकर उन्होंने नहीं बोला कि हम चुनाव कराएंगे, तब तक हनुमान बेनीवाल उसी जगह बैठा रहा और मेरे साथ उस समय कई कांग्रेस और बीजेपी के विधायक जब मुझे देख रहे थे तो बाद में धीरे धीरे वो भी उठ के आ गए। इस राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहल कौन करे, पहल कोई करे तो उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग तो मिल जाते हैं नेता, लेकिन आगे कौन आए? जब तुम्हारे शासन चुनाव बंद किए, दुर्भाग्य इस बात का, ये तो मनमर्जी हो गई सरकारों की। हमारे बच्चे 5-5 साल मेहनत करते हैं, ऊपर से लिंगो कमेटी की सिफारिश, चुनाव जीतने के बाद भी जिस तरह का व्यवहार कुलपतियों की तरफ से, कॉलेज के प्राचार्यों की तरफ से किया जाता है, शासन अध्यक्ष को जो सम्मान मिला करता था, शासनों को जो स्वायत्तता थी, विश्वविद्यालयों को जो स्वायत्तता थी, सरकार ने उस स्वायत्तता को खत्म कर दिया, शासनों को कमजोर कर दिया, और कमजोर करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, मैं विधानसभा और लोकसभा के अंदर रहा हूं, एक ही कारण है कि जो दूसरे नेता चुन के आते हैं उनको चिढ़ लगती है कि विश्वविद्यालय की राजनीति से आया विधायक और सांसद बेबाकी से अपनी बात रखता है, वो लड़ने की मादा रखता है, वो सरकार से टकराने की मादा रखता है, जो उनके मन के अंदर एक अलग तरीके की जलन होती है, और दूसरी जलन उन लोगों की होती है जो चुनाव हार जाते हैं और बाद में बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, जैसे अशोक जी गहलोत यूनिवर्सिटी का चुनाव हारे हुए। तो गहलोत साहब मैं इस बात को लेकर नाराज भी रहते थे कि बार बार आप 40 साल पहले की बात तो हुई है, वही तो कह रहा हूँ, कॉलेज का चुनाव आ रहे, यूनिवर्सिटी का चुनाव आ रहे, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जब किसी विश्वविद्यालय अध्यक्ष का नारा लगता है, नाम पुकारते हैं तो कहते हैं क्या इच्छा, उनको तकलीफ है, सामने का पहाड़ा आप देख रहे हो कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ही काम में लगी है कि सत्ता कैसे प्राप्त करे, लड़ा पीड़ा के, किसी को धर्म के नाम पे, किसी को जाति के नाम पे, किसी को आरक्षण के नाम पे, दिल्ली से लेकर राजस्थान एक ही काम है, पहले किसानों को परेशान किया और किसान के मामले में जो मोदी की किरकिरी हुई, भाइयों देश के अंदर भी अगर जवानी के अंदर हर व्यक्ति चाहता को जवान रहे, जब उसको ताकत मिले पावर मिले, मुझे बार बार मौका नहीं मिलता, मेरे पिताजी भी विधायक थे और 8-7 बार हम हमारे परिवार में एमएलए एमपी बन गए, घर के अंदर मेरा छोटा भाई भी आपका आशीर्वाद से विधायक हो इसी महाराज कुल के, लेकिन मंत्री पद
आसपास घूमते रहे, उनको मैं छोड़ता रहा। और दिल्ली जाने के बाद जब मौका आया कि मुझे मंत्री बनाया जा रहा था कि अपनी पार्टी का विलय करो, मैंने मना कर दिया। और दूसरा जब किसान आंदोलन था, इस NH8 को जाम करने की बात आई, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के तमाम किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी, आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो किसान कौम की जीत हो सकती है, हमें बड़ी उम्मीद है। और आपकी स्टाइल हमने लड़ते हुए देखी है कि आप मन से राजनीति करते हो, दिल से करते हो, दिमाग से नहीं करते। तो मैंने कहा मेरे सत्ता छोड़ने से क्या हो जाएगा, बोले किसानों की जीत होगी। मैंने कहा हनुमान बेनीवाल के सत्ता छोड़ने से और मोदी का साथ छोड़ने से अगर किसान कौम की जीत होती है तो मैं 100 बार सत्ता को ठोकर मारूंगा। तो कहने का तो गुजर आरक्षण आंदोलन के समय भी बंद नहीं हुआ था, उस NH8 को बंद कर दिया और 70 दिन सड़क पे बैठ के मोदी की सत्ता छोड़ के अगर देश का कोई सांसद लड़ाई लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद था, वो आपका भाई था, वो इसी विश्वविद्यालय का। जब वसुंधरा गहलोत के गठबंधन में राजस्थान में चाहे अपराध बढ़े, राजस्थान में चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे RPSC में यहाँ पे रेड हुई, चाहे RPSC का पूर्व चेयरमैन वसुंधरा के समय जब उसको गिरफ्तार कराने की बात थी, इस विधानसभा के अंदर जवान किसान भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उन हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ जिनके नाम से नेता उनका नाम लेने से डर जाते थे, अगर उनके खिलाफ सड़क पर किसी ने लड़ाई लड़ी, विधानसभा में लड़ी और लोकसभा के अंदर अगर ये बात कही कि डाकों का एनकाउंटर होना चाहिए, वो नागौर का सांसद है जिसने आम आदमी की इज्जत मान और सम्मान को बढ़ाया और राजस्थान के सम्मान को देश के अंदर बढ़ाने का काम किया। भाइयों, नई पार्टी बना के अगर मेरे भाइयों को ये जो झंडा हाथ में दिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि 15-20 साल पहले इस राजस्थान में जब कोई नौजवान कांग्रेस बीजेपी को छोड़ता था तो वो UP और हरियाणा की पार्टी ज्वाइन करता था, उसके पास कोई झंडा नहीं था। आपके भाई ने पार्टी बना के देश में संदेश दिया, ये राजस्थान वीरों की धरती है। यहाँ वीर तेजाजी महाराज हुए, या इस राजस्थान के अंदर कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने मुगलों से टक्कर ली, मुगलों को भगाया, ये क्रांतिकारियों की धरती है। भाइयों, पार्टी बना के उस पार्टी को लगातार लंबे समय तक चला के और 18 से 23 का समय आया है, वो आपके बीच है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने आपको ताकत दी, आपको लड़ना सिखाया। और दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को गलत दिशा के अंदर ले जा रहे। मैं वह विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष हूँ जिसके पास 1 इंच जमीन जयपुर के अंदर नहीं है, कभी किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया, कभी किसी का सिर नहीं दिखाया, कभी अन्याय नहीं किया। अन्याय होते देखा तो सड़क पर गाड़ी से उतर के उन अपराधियों के खिलाफ लड़ने की कोई ताकत रखता है, वो नागौर का सांसद है, तो आम आदमी गरीब आदमी सर समाज को साथ लेकर चलता है। पीड़ा इसी बात की कि मेरे समय में भी मुझे वो दिन याद आ गया जब 1998 के अंदर शासन के चुनाव बंद करने के लिए सरकार ने फरमान जारी किया। उस समय मेरे सामने जो चुनाव हारे थे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर के नेता सारे मेरे कार्यालय के अंदर आए और उन्होंने बोला कि भाई साहब, आप तो अध्यक्ष बन गए और अध्यक्ष बन के निकल जाओगे लेकिन एक चुनाव बंद हो जाएंगे। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, हनुमान बेनीवाल चुनाव बंद नहीं होने देगा। और हम सब ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, इसी का परिणाम था 98 के अंदर 3 महीने बाद चुनाव हुए, लेकिन 98 दिसंबर के अंदर राजस्थान चुनाव करवाए। मुझे आज ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि राजस्थान के अंदर हमारे किसान के बेटे वो चुन के आए हुए हैं, जो कोई अध्यक्ष के पद पर बैठा है, कोई जनरल सेक्रेटरी के पद पर बैठा है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बढ़ती कि चुनाव कराए, किसी दूसरे भाई को मौका मिले? ये सोच उन लोगों की होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि लोग क्या करते हैं कि खुद का काम निकला और अपना जाके आगे और किसी वाले को छोड़ दो, इसलिए हम पीछे। आज आपने कितने विधायक है राजस्थान के अंदर आप बताएं, जाट गुजर मीणा मेघवाल मिलाओ जिनकी मैं बात करता हूँ, यादव ये 100-125 MLA है आपके राजस्थान के अंदर, छोड़ेंगे सारे सारे। अगर एक मार्च करें अशोक गहलोत से मिलेंगे, गहलोत जी हम मिलने आ रहे हैं, चाय पे चुनाव करो, 1 मिनट के अंदर चुनाव हो सकता है।
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जब तक ये भावना नहीं रखूंगा कि मैं मेरे साथ मेरे भाइयों को जोड़ के चलूंगा, तब तक बड़ा आदमी वही बनता है जो तो बहुत लोगों को साथ लेकर चलता है। एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है मुझे बताओ, कुछ नहीं कर सकता। एक अकेला एक एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, तो एक एमपी को कौन पूछता। मैं दिल्ली में हूं ना, अभी मेरी स्थिति दिल्ली में बताऊं क्या है। एनडीए में जाना नहीं चाहता, और दूसरा जो राहुल और इन लोगों ने बढ़ाया उसमें भी नहीं जाना चाहता, अकेला खड़ा हूं। आप पता करो ना मैं कौन चूज करता हूं। मेरे जैसे 50 साठ सांसद और भी 543 के अंदर, जो नहीं तो एनडीए के अंदर है, और दूसरा जो तथाकथित संगठन है उसके अंदर भी नहीं, दोनों में नहीं। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि भाइयों जो लड़ाई आज तक हाथ में ली है, समय जरूर लगा है, सरकारें झुकी, जब मोदी झुक गया तो ये तो सरकार कुछ है ही नहीं, ये तो जाति सरकार है। इस जाति सरकार को एक आह्वान करेंगे कि राजधानी को घेरेंगे, उसी दिन चुनाव की घोषणा भी करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिस तरह आप बच्चे एकजुट हुए हो, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ आप सारे संगठन एक हो। मुझे इस बात की खुशी है जब मुझसे मिलने रात से, आज से या 5 दिन से बच्चे आ रहे हैं, हमारी जो छोटी बहनें आ रही है, उन सब की एक ही डिमांड है कि पहले चुनाव होना चाहिए। तो जो करीब करीब छात्र साथ नहीं बैठते, छात्र नेता वो टकराते हैं, लेकिन मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, सारे बच्चे पूरी ताकत से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि लंबी लड़ाई लड़ी 7 दिन के अंदर, कानून हाथ में नहीं लिया, और पुलिस ने जिस तरह लाठियां बरसाई है, पुलिस ने जिस तरह कैंपस में आपकी आईडी चेक करी है, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, आप एक ही काम करें, जो भी पुलिस वाला आपको परेशान करे, जो भी अधिकारी परेशान करे, उसका नाम और नंबर लिख लें, अभी तो उसको हटवा देंगे, जैसे ही अपनी सरकार बनी उसको बर्खास्त कर देंगे। नाम लिखने मुझे जाना पड़ेगा, ये तो आपको, और ये तो आरएलपी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। जिस तरह नौजवानों ने करवट लिए, जिस तरह राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे आप लोगों ने हुंकार भरी है, जिस तरह आपने सरकार को ललकारा है, जिस तरह हमारी बेटियों छोटी बहनों ने सरकार को ललकारा है, मैं 2 साल पहले 3 साल पहले देख रहा था कि किस तरह हमारी बेटियां पुलिस से जूझ रही थी यहाँ सामने कैंपस के अंदर मुख्य द्वार, और आज ये दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ती है। मैं कुलपति को कहना चाहता हूँ कि तेरा दिमाग खराब हो गया, फालतू के अंदर कुलपति हट जाएगा और कहीं सब्जी लेता घूमेगा, तो कहीं ये वो लोग याद रखेंगे, और कहीं कहीं कुलपति जी आपकी बेइज्जती करेंगे बाद में। इस बात का भी आप ध्यान रखें, और नहीं मानो तो 20 साल पहले मेरे वाला युग देख लेना कि कुलपति की क्या हालत हुई थी, वो आप याद रखना। मैं ये नहीं कहता कि गुरुओं का अपमान करो, सम्मान करो, लेकिन गुरु के सम्मान का मतलब नहीं गुरु हिटलर बन जाए, वो भी नहीं कहता। विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर अगर कुलपति के बराबर किसी का स्थान है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का स्थान, किसी कॉलेज के अंदर अगर प्रिंसिपल के बराबर स्थान है, उस कॉलेज के अध्यक्ष का स्थान है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। इसे देश और प्रदेश को बहुत से छात्र संघ अध्यक्षों ने इस देश और प्रदेश के अंदर बड़ा राजनीतिक नेतृत्व किया, देश में नेतृत्व किया, प्रदेश में नेतृत्व किया। या आपका भाई जो नई पार्टी बना के इन किसान कौम दलित एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा है, वो शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ रहा है, वो इस विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष था, वो किसान का बेटा है और वो लड़ाई लड़ रहा है, वो भी इसी विश्वविद्यालय की उपज है। समय लग सकता है, एक ही संदेश आपको दूंगा, होता क्या है यहाँ सबसे बड़ी बीमारी एक ही है कि चुनाव जीते उससे पहले तो सबके पैर छू लो जाते, और जैसे ही जीते हैं तब पॉलिटिकल पापा दूसरे। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कोई व्यक्ति अगर एबीपी से जीता है वो बीजेपी में राजनीति करेगा, अच्छी बात है, कोई एनएचयू से जीता है कांग्रेस में राजनीति करो, अरे चाहे पहले मुझे बुला लो कभी यूनिवर्सिटी के अंदर,
भी आज रात को काम पड़ेगा, सड़क पे लाठी बजेगी तो कांग्रेस बीजेपी वालों को फोन बंद होगा, मैं तो खुद आ जाऊंगा लाठी लग रहा है। तो निर्दलीय जीतते हैं भाई, उन निर्दलीयों को तो दायित्व है कि वो तो तीसरे मोर्चे की बात करें। आप जो जिता रहे हैं उनका ध्यान नहीं रखो, वो तो दूसरों का प्रचार करें, उनके लिए नारे लगाओ। ये कौन सा सिस्टम है मेरे भाई, ये तो बताओ। उनके लिए निर्दलीय हम भी जीते थे, बताओ। निर्दलीय हम भी जीते थे, अभी मैं बताएगी तो सुनाऊंगा। मैं किसी संगठन की बुराई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि देखिए मैं निर्दलीय अध्यक्ष बना और विश्वविद्यालय के अंदर एक पूरी पार्टी बनी वो निर्दलीय अध्यक्ष बने। और चूंकि अब हमने तो ये भी मांग करी कि पॉलिटिकल पार्टियों का इंटरफेरेंस कैंपस में नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां फिर बच्चों का शोषण करती है, वो अपना हिसाब से डालती है, ये बयान दो ये मत दो, ये धरना दो ये मत दो, उनका मनमाफी जो वोट बैंक बढ़ता वही उपयोग लेती है। तो हमने ये मांग करी कि राजनीतिक दखलअंदाजी बंद हो गई। मैं आपको धन्यवाद दूंगा बच्चों को कि मजबूती से आप लड़ रहे हो, और आप जब लड़ रहे हो और आपसे 3 किलोमीटर दूर में बैठा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको लड़ते हुए देख के मेरे उन भाइयों को उन बच्चों को, जब मेरे पे झोटवाड़ा के अंदर हमला हुआ था तब 2015-16 के अंदर एक पुलिस से अगर कोई राजस्थान में भिड़ा वो राजस्थान विश्वविद्यालय का एक रुको कर रुको कोई बात नहीं, उसमें उस समय छात्रों ने यही देखा था कि अनेश भाई का छत्र है कौन से संगठन का, वो तमाम छात्र नेता थे जिनमें कई विधायक भी बन गए और कई विधायक बनने की दौड़ में। उस समय आपने संगठनों को बुला के एक ही बात करी थी, जर्मान जी हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे भाई साहब हमला हुआ है और हम उनके लिए लड़ेंगे। वो संदेश आपने राजस्थान में दिया, उस संदेश का परिणाम ये हुआ कुछ छात्र चोटी लोगे थे, भाई लोगे थे मुक्त में, वो भी जो भी लगे मेरे साथ होंगे तो वापिस हो गए थे, अगर नहीं हुए तो हो जाएंगे। जो बच्चे चोटिल हुए ये देखिए, ये मेरे लिए जो लड़े हो व्यक्तिगत में मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई मेरे पे बच्चा अगर कोई जैसे ये मेरे लिए संगत कोई लड़ता और मैं उसको छोड़ के भाग जाऊँ ऐसा रहता नहीं। मेरे लिए लड़ने वाले उन तमाम बच्चों को कहीं कहीं मैं मदद करता रहता हूँ समय समय। देखिए एक साथ जब आदमी पार्टी बना के चलता हो वो हर आदमी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहीं कहीं जीवन में मौका लगता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि ऋण उतारने का प्रयास करता हूँ, अपने ऊपर ऋण किसी का नहीं रखता है, ये हनुमान बनवाल है। और मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो लड़ाई उस समय लड़ी थी उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के 200 विधायकों को सरकार ने सुरक्षा दिला दी। क्योंकि वसुंधरा मुझे तो सुरक्षा देना नहीं चाहती थी, वो ये सोचती जर्मान को दे दूंगी तो फिर सरकार की इंतजे इसने कहा कि सारे विधायकों को सुरक्षा दी जाए, बाकी सारे मेरा नाम दिया जाए। बड़े एक गनमैन दे दिया था, एक गनमैन क्या कर लेता आप भी जानते, लेकिन एक जिद आपकी थी कि हमारे भाई को सिक्योरिटी मिलनी थी। ये आपके संघर्ष का परिणाम है कि विश्वविद्यालय के किसी कोने से आवाज आती है हनुमान जी आगे बढ़ो, शेखावाटी के किसी गांव से आवाज आती है, किसी महिला किसी बेटी की आवाज आती है हनुमान जी लड़ाई को बीच में मत छोड़ना, बाड़मेर से आवाज आती है राजस्थान बर्बाद हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ किस तरह के कृत्य राजस्थान में हो रहे हैं, भाइयों किस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरह नौजवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है और किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। उस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है, मैं सुनता हूँ इस आवाज को, इसलिए 20 साल से मंत्री पदों को ठोकर मार के आपके बीच लड़ रहा हूँ। मैं आपको तकलीफ करने नहीं देख सकता, इसलिए आज आपके बीच घोषणा करने भी आया हूँ कि भाइयों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी ताकत के साथ हर संघ चुनाव करने को लेकर इस राजस्थान में राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। आज दो काम आपको मेरे कहने से करने, एक काम तो आप भी बड़े भाई के नाते सीख मेरी मान लो, देखो घर के अंदर बर्तन भी होते हैं ना बचते हैं, सगे भाई भी छोटी मोटी बात को लेते माँ मम्मी पापा किसी को छोटा दे चॉकलेट दे दे कुछ और दे के मेरा नहीं मेरे को कम दिया, ये होता रहता है। लेकिन तुम सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि चुनाव हो, ये कसम लो कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो तब तक मंच पे भाषण को लेके और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करो, इसका नाम काट दूं इसको ये कर दूं गाड़ी में लटकाऊं, ये आप समझ गए ना, ये नहीं करना है। अखबार में भी अगर भेजोगे सबके नाम साथ भेजोगे, जो संघर्ष कर रहे हैं जो नहीं कर रहे उनके मत भेजो, जो आपके साथ है जो भी संगठन है जो भी छात्र नेता, किसी ने आपके लिए लड़ाई लड़ी इसने प्रयास किया, ये भूख हड़ताल पे बैठे तो ये इन्होंने शुरुआत की, ऊर्जा दिया
जितने मुझे ऊर्जा आप देते हो उस समय, इन बच्चों ने ऊर्जा दी और आप अपने दम पर लड़ रहे हो। बड़ा दुर्भाग्य है कि गेट के अंदर हम बैठे। मैं चाहूं तो भी आपको सबको लेकर कभी गेट की तरफ चलूंगा, लेकिन छोड़ो मेरे ऐसे ही थोड़ा। मेरी बात बच्चों, तुम्हें सीट वाले के अंदर घुसा दूंगा, सबको चिंता करो। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं आ जाता हूँ ना, वहाँ फिर किसी तरह का लॉइन लोडर निकले तो लोग कहेंगे कि हनुमान जी ने आकर लॉइन लोडर बिगाड़ दिया। अभी मैं दो तीन बात आपको मोटी मोटी कहूंगा। एक तो मेरे छोटे भाई जिद कर रहे हैं कि भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि मेरे कहने से भूख हड़ताल तोड़ दो आप, क्योंकि मैंने भी 17 दिन सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल करी। तब मेरे पिताजी आए थे नागौर से, सीएम ने बुलाया पिताजी को, ये तो किसी की नहीं मान रहा आप। तो पिताजी आके जेल के अंदर मेरे से लड़ने लगे कि क्यों भूखा बैठा है, क्या अनाज नहीं, क्या करो, तो पुरानी बात गाँव का भूख मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने कहा तीन मंत्री बुलाओ, बात करो सीएम से। और चार तीन मंत्री मेरे फादर दूसरे दिन आए और मैंने भूख हड़ताल समाप्त की, लेकिन आपकी फीस वर्दी और कुलपति को हटाने की जो जिद थी उसको पूरा भी हमने किया भाई। सरकार से लड़े और आपकी जीत भी दिलाई। तो आज मैं अपील करता हूँ बच्चों से कि भूख हड़ताल से बताओ क्या होता है। भूख हड़ताल उन लोगों के बीच की जाती है जो संवेदनशील होते हैं। ये तो लुटती डूबती सरकार है, मैं तो ये पता नहीं कि अभी आदेश क्या हो रहा है, एक घंटे बाद उसको हटा दो, एक घंटे बाद लगा दो, उसको वहां लगा दो, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है सरकार। और बीजेपी ये काम कर रही है कि जैसे ही ये भागे, बीजेपी के अंदर 12 तो दूल्हे और एक लुटेरी दूल्हन। अब आप बताए, और इधर मैं अकेला लड़ रहा हूँ, तुम मेरे साथ हो गए। अब के वैसे तुम चिंता मत करना, कोई कुछ भी थे इस राजस्थान को मैंने एक एक नापा इलाका, थोड़ा सा ये इलाका अपना ये है ना गुजर मीणाओं का इलाका, इसमें अगर ढंग से एक दो नेता साथ आ जाए ना मेरे बड़े वाले, तो सीटें जाएगी 250 तुम्हारी। ये तो बच्चे बैठे हैं, अगर ये बच्चे साथ आ जाए तो भी 70 के करीब आ जाओगे तुम लोग। बहुत अच्छी सीट आ रही तुम्हारी, चिंता मत करो। एक पार्टी जाएगी थर्ड नंबर पर आपको कहना चाहूंगी कि भगत सिंह अगर ये सोच लेते, लोगों ने कहा था कि आप ये मत करो वो मत करो फांसी हो जाएगी, तो उनका फांसी हो जाएगी उससे मुझे कम नहीं, मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल इस चीज की परवाह नहीं करता, जीरो से खुद से तीन, तीन से चार, चार से 160, एक मिनट 5 प्रधान और सारे उपचुनाव में एक जीत, और अब की बार उससे तो बढ़िया ही रहूंगा। जब मैं जीत के आया था, जब मैं जीत के आया था के अंदर, तुम यार एक मिनट बच रहो, जब मैं 18 में पार्टी बना के जीत गया, तो मीडिया के मेरे भाइयों ने कहा कि हनुमान जी आप तो बड़ी बड़ी बातें करते, क्या हो गया? मैंने कहा वो तो गया भाई, पहले एक आया था पार्टी बनाई, 3-7 आया हूँ, कई सेकंड नंबर पे वेटिंग में रह गए, अगली बार ये होगा। अब तो शुरुआत हुई है, राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं, मैं क्या करूँ? मैं तो लेट आया था इस धरती पे, 50-60 साल पहले आता था, उसका बड़ा बदलाव होता। तो यहाँ पहले वालों को पूछो कि 70 साल में क्या हुआ था, सिवाय कप प्लेट उठाने का काम किया क्या? कोई जो गहलोत के कप प्लेट उठा, कोई गहलोत को पॉलिटिकल पापा, कोई वसुंधरा को पॉलिटिकल मम्मी, तुम लोगों ने भाई मैंने कम से कम सम्मान तो दिया बच्चों को। आज तुम एक काम तो कर सकते हो कि कांग्रेस बीजेपी से नाराज हो तो मुझे तो फोन कर सकते हो, नहीं तो फोन किसको करते, मैं नहीं होता तो ये बता दो तुम चलो। आज ये तो कर सकते हो कि टिकट दे तो दे, नहीं तो हनुमान के पास रुको रुको टिकट। ये मैंने तुम्हें बहुत मजबूत किया राजस्थान। हाँ तकलीफ मुझे भी पड़ी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के जो ठेकेदार, मेरे समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार जो अपने हिसाब से फरमान जारी करते थे, उनकी क्या स्थिति हो गई? मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित थे, हनुमान जी के साथ फोटो नहीं खिंचाते। तुम तो बच्चे हो, लेकिन मेरा मन होगा उस नेता से मिलूंगा, मेरा मन होगा कितना ही बड़ा नेता हो, आओ। मेरी आदत नहीं बदल सकता, और अब तो कैसे बदल दूंगा, तो 50 के आसपास चला गया, 25, 26, 30, 35 तक बदल सकता।
मतलब लड़ने के इतना पक्का हो गया कि मुझे कोई लड़ाई नहीं मिलती तो मुझे नींद नहीं आती लड़ाई में। मैं बड़ी लड़ाई मिल गई मुझे चुनाव की। मैं आपको स्वास्थ्य दिलाता हूँ कि जो यहाँ 15-16 के अंदर आपने उपकार किया कि हनुमान बेनीवाल पे हमले के लिए तमाम सेंटर एक हुए, तमाम जातियां एक हुई, एससी एसटी ओबीसी का नारा देते, और आपने कहा कि हमारे भाई पे जो पत्थर चला लाठी चली मारने का प्रयास किया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ऊर्जा पूरे राजस्थान को मिली, राजस्थान का नौजवान शक्तित्व हुआ उसको लेके, और फिर हुकार रैलियों के बाद पार्टी भी बनी, समय लग गया। लेकिन आज राजस्थान में हम इस चिंतित के अंदर यार उनके जिला के चाहता है 7 जिले पेक हो गया वोट पूरा, कल चुनाव कर लो, कल सुबह हारे पे कितनी सीट दी, बाकी जो आगे बढ़ रहे शिकल चूरू झुंझुनू आप देखे झुंझुनू आगे बढ़ रहे। और चूंकि शेखावटी के जवान तो बहुत मजबूत है, मैं जब चुनाव लड़ता था उसमें बड़ी संख्या एंट्री थी, सारे मेरे साथ तो मीणा श्रीकाश का वोटर वो भी कंधा से कंधा मिला के शायद पैनल जीता था मैं देने का पूरा। तो भाइयों इसलिए मेरे मन के अंदर हमेशा आप सबके प्रति भावना रहती है कि हमारे किसान के बेटे बेटियां आगे कैसे बढ़े। मैंने लोकसभा के अंदर ये बात उठाई, नहीं उठा सकते लोग, मैंने कहा हमारे जाट गुजर मीणा यादव मुस्लिम मेघवाल हाईकोर्ट के जज होना चाहिए, बोल सकता है क्या लोकसभा। एक डाकू था जिसने गुजर महिलाओं के साथ जो वो किया उनको, हाँ मैंने कहा इसका एनकाउंटर करो, दो दिन बाद ही सिलेंडर गड्ढे डलते हुए देखा था तुम, दो दिन बाद एनकाउंटर मत करो, मुझे अंदर लो जल्दी पकड़ लो। तो मैं जानता हूँ भाई किसमें कितना है, आप चिंता नहीं करें, ये तो गहलोत की जाती हुई सरकार है, अब तो हो चुका है सरकार तुम्हारी खुद की आ जाए थोड़ी हिम्मत से, क्योंकि आप देखिए आसाम के अंदर जो आंदोलन एक बार प्रभु कुमार बोल तो आसाम के मुख्यमंत्री बने, मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाता हूँ, जवान के अंदर कितनी ताकत, भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी उसके बाद देश में बात चली, विश्व में बात चली कि अंग्रेजों भाग जाओ नहीं तो देश का हर नौजवान अब तुम्हें कुचल देगा मार देगा, और अंग्रेज भाग के जोड़ी झंडे ले गए, भगत सिंह की कुर्बानी का ये सुखदेव राजगुरु कांतिया टोपे जो नौजवान था क्रांति की शुरुआत करी आसाम के अंदर, उस समय जो नौजवानों ने आंदोलन किया और मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री और शायद आधे एमएलए तो कुंवारे बन गए थे आसाम के, छात्रों का आंदोलन था। अगर तुम ये चाहो कि हमें राजस्थान बदलना है और परमानेंट कानून बन जाए कि शासन चुनाव पंचायत पालिका विधानसभा चुनाव की तरह होंगे, उसके लिए भाइयों आप इस बार बदलाव ये चुनाव तो हम करा देंगे, लेकिन आगे फिर कोई रोक देगा क्या करेंगे, रोज रोज बताओ लाइव खबर है, फिर मान लो हाईकोर्ट रोक देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो मैं ये चाहता हूँ सरकार ये नियम बना दे परमानेंट कि छात्र के चुनाव होने चाहिए, ये तो इनकी मनमर्जी है। मैंने कुलपतियों की ये हालत देखी, एक पहले कुलपति था जो शिक्षा मंत्री है सभी ले जाता था 4-5 तक, मैंने उठाया प्लान जवाब उसका मामला, तो बोले गुरुओं का अपमान करते हैं, अपमान की बात हो रही है, तो वो काली तरह से सब्जी लेके जाता वो काली तरह साफ सब्जी कौन की इनको ठीक कौन करेगा, हमें इसको करना पड़ेगा जो कैंपस से निकला तो कैंपस को जानता ही नहीं, किसी आदमी को उस तरह में पढ़ाई नहीं और एमएलए एमपी बन जाए वो आगे से निकले तो पता क्या कहता है, ये दरवाजा किसका है, ये क्या होता है, नहीं जानते हम इससे निकले, हमें पता है, हमने हॉस्टल की जिंदगी भी जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी मुझे पता है बच्चों की उम्र होती है, अब तुम्हारी भी ज्यादातर शादियां जब हो जाएगी तुम जब बाप बन जाओगे तब तुम्हारी जिंदगी और होगी, तब चिंता दूसरी होगी, अभी ये होता बच्चों का निकट होते छोटा मोटा कर्मी लेते हैं कुछ बदमाशी निकल लेते हैं बदमाशी, लेकिन बड़ी बदमाशी के लिए हम कभी नहीं करते बच्चों को, आपने देखा होगा आप तो अब हर चीज नोट करते हो सोशल साइट पे भी कि कौन व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए लड़ रहा है, कौन निस्वार्थ किसके लिए लड़ रहा है, अगर ट्राइबल की कई बात आती है
देश की लोकसभा के अंदर अगर ट्राइबल के भाइयों को न्याय दिलाने की बात करता है मान देने वाला, वो कहता है कि मानगढ़ के अंदर वेणेश्वर प्रधानमंत्री जी आप जाते हो, क्या दिया आपने भाई, किस बार घोषित करते हो, देवनारायण जी भगवान के जाते हो अश्विन के अंदर, क्या दिया प्रधानमंत्री जी, खाली भाषण दे के आ गए, कहीं जा रहे हो, जिस देवता के यहाँ दरबार में जा रहे हो जिसे एक कौम के साथ बहुत सी कौम है जिसकी पूजा करती है, वहां जब प्रधानमंत्री जाता है तो कुछ न कुछ घोषणा करके आता है, मोदी जी के घोषणा का तो काम ही नहीं, उसको जरूरत भी नहीं है, तुम सामने राहुल गांधी गया मैदान खाली पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारा सिस्टम सेट कर, नोटबंदी से लेकर सारा ऐसा सिस्टम चलाया देश के अंदर ज्यादातर लोग सरेंडर हो। एक मुख्यमंत्री का किस्सा बताता हूँ आपको, उसने दिल्ली में कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मैंने कहा ये बन सकता, उसने कहा खाने पे हम सबको बुला लिया, हम गए उसके खाने पे 15-20 पार्टियां थी, उसने कहा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे देश, मैंने कहा ये आदमी मजबूत लगा, और मैंने कहा राजस्थान हम संभाल लेंगे, यूपीए संभाल लेंगे, फिर बाद में पता लगा मुख्यमंत्री गायब कहाँ हो गए, बोले साहब उनकी बेटी के ऊपर ईडी की रेड पड़ गई, ये 2 साल से गायब हो रखे, और मेरे यहाँ ईडी की तकलीफ इसे नहीं, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं, तो कोई ईडी है कोई सीबीआई है, इस दौर से गुजर चुके 20 साल पहले, इसलिए डर किसी का नहीं लगता, डर ईश्वर का लगता है, या बच्चों तुमसे जरूर डरते, तुम नाराज नहीं हो जाओ क्योंकि हमारी ताकत तुम लोग हो। आज ये 2 अपील मैं करने आपके बीच आया हूँ, एक तो आप लोगों का एक डेलीगेशन आज सरकार से मिलने के लिए जाएगा, उसमें नाम तय तुम करोगे, इसमें मैं पंचायती में नहीं करूंगा, बिल्कुल तुम नाम तय करो 10-15 कम से कम, ऐसे नहीं सोचने जाओगे बात नहीं कर पाओगे, 10-15-20 का जो भी डेलीगेशन हो जिसमें कुछ हमारी छात्राएं भी हो छात्रों, ये डेलीगेशन सरकार से बात करेगा, और एक जिन बच्चों को गिरफ्तार किया उनको छोड़ने के लिए कह दिया, आ गए क्या बच्चे नहीं आए, ला रहे हैं अभी, मेरी बात होगी, और एक अपील उनको छुड़ा के जाऊंगा यहीं बैठूंगा, एक मेरी बात ये कि मैं भूख हड़ताल पे तुम बैठे हो अमन लंसन पे, तो ये मेरे कहने से प्लीज तोड़ लोगे ना, तोड़ लेंगे ठीक है, इससे क्या तुम्हारा चॉइस भी ठीक रहेगा और मुझे भी नींद आराम चलेगी, तुम्हारे कहने से मैं भी ठीक करता हूँ, मैं पहले भूख हड़ताल तोड़ाने के बाद ही, तो मैं आपके हाथों से और दूसरा कौन तोड़ेगा, मोदी का आएगा नहीं गहलोत आएगा, मोदी आना पड़ा भाई, मेरे हाथों से इनको जूस पिलाऊंगा, और जो शांति से बैठ रहेंगे उनको भी एक एक गिलास पिला देंगे, भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद अपने स्वास्थ्य का एक नीचे भूख हड़ताल समाप्त एक तोड़ने के बाद आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे, एक साथ ज्यादा खाना भी नहीं खाना ध्यान रखना, तो उस समय मेरी दिक्कत होगी थी थोड़ी सी, तो धीरे धीरे 2 दिन इसको स्पीड से और रफ्तार पकड़ाने, और अभी हमारी 3 जो प्रमुख मांगे सरकार से वार्ता आपकी होगी, उसके बाद आप लोग बैठ के एक अपनी संघर्ष समिति आप लोग बनाओगे पूरे राजस्थान के, अरुण भी आएगा जोधपुर से, एक बार सब जगह उदयपुर बीकानेर फोनों पर बात करके आजकल में ही आपकी संघर्ष समिति बन जाए, जो संघर्ष समिति मेरे से भी बात करेगी, और मैं उन तमाम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्ष से, चाहे कोई कांग्रेस का विधायक है चाहे बीजेपी का विधायक है चाहे वो आरएलपी का है, उन सब से मैं भी बात करने का प्रयास करूंगा जिन जिन से मेरी बात होती है, और मैं उनसे अपील भी करूंगा कि अब आप वो लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, अब आप जागो, अपने सोए हुए जमीर को जगाओ और इन बच्चों को न्याय दिलाओ, छात्र संघ के चुनाव राजस्थान के अंदर कराओ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छात्र संघ चुनाव के लिए सारे हमारे नौजवानों को साथ लेके इस राजधानी का घेराव भी हम करेंगे, हम दिन पर दिन किस तरह आंदोलन हमारा होगा इसकी घोषणा रात को सुबह बैठ के आप लोग करोगे, उससे पहले अमन अनशन समाप्त करवा रहे, बच्चे यहाँ आ रहे हैं, और तुम्हारा डेलीगेशन सरकार से वार्ता के लिए जाएगा छात्र नेताओं का, वो तुम आपस में चांडना कहीं गाड़ी के अंदर निकलो, वो आया कि नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं किया, और आप सबने मुझे याद किया इसके लिए धन्यवाद, और मैं इस लड़ाई को अंतिम दौर पे ले जाऊंगा और आपकी जीत करूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, जब तक शासन के चुनाव नहीं हो जाते, काम करो।
जब तक शासन के चुनाव होने जाते मैं आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूँ, मेरी पूरी पार्टी खड़ी है। और मैं तमाम पार्टियों के मेरे भाइयों से अपील भी करूंगा दूसरी पार्टियों के कि इस मामले में राजनीति से ऊपर उठ के हमें छात्रों की जो मांग है ये हमारी लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। किस तरह बच्चों ने मेहनत की पांच पांच सात सात साल, और ये कौन सा धनबल बाहुबल की बात करते हैं, बच्चों के पास पैसे कहां से आते हैं हम जानते हैं, कोई एक रुपया नहीं देता बाजार के अंदर, हम तो परिस्थितियों में गुजरे हैं। और मैं विश्वास आपको ये भी दिलाता हूं कि मैं सरकार के आसपास आ गया तो लिंगडो विंगडो की जो कमेटी है इनको हटा देंगे भगा देंगे। और फूलों की पार्टी अगर कोई एक बार चुनाव हार जाए 150 वोट से, अगली बार मौका मिला कि भाई उसके तो मन में ही रह जाती है और कैसे लड़ करो, तो अगर हम भी उस समय लिंगडो होती तो मैं अध्यक्ष कैसे बन गया, पहली बार मैं भी आ गया लिंगडो नहीं थी इसलिए अध्यक्ष बन गया था। लिंगडो कमेटी हटे, कैंपस में सुख शांति रही, ये भी सही कि कैंपस में, लेकिन वो कैंपस दूसरे हैं जिनकी तुलना राजस्थान से कर रहे हो। ऐसे तो गृह मंत्री जी आप, मुख्यमंत्री जी आप, होम मिनिस्टर हो, आपके जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो घटना हुई, हमारी एक बालिका के साथ जिस तरह की दरिंदगी जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई, तो लिंगडो कमेटी के बाद क्या नहीं हो रही, क्या घटना है, वो तो गई, मुख्यमंत्री भी वहां से आते हैं, गृह मंत्री भी वहां से आते हैं, क्या रोक लिया क्या आपने? अब लोगों की मानसिकता कैसे ठीक हो, लोग सही दिशा में कैसे चलिए, लोगों का भरोसा सरकार पे कैसे हो, अब लोगों का भरोसा सरकार से उठ गया, लोगों का भरोसा विपक्ष से उठ गया। अब तो बीजेपी कांग्रेस के नेता देखते हैं कि पहला ट्वीट किसका है उसके बाद हम करेंगे, इस तैयारी में रहते हैं, और फिर कहां से सही सोच होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बिना राजनीतिक माइलेज के लिए, बिना पॉलिटिकल माइलेज के लिए मेरा कोई खुद का आरएलपी का मैंने संगठन खड़ा नहीं किया। मैं जब पार्टी बना सकता हूं तो पांच साल पहले संगठन खड़ा करते मुझे कौन रोक रहा है, एक चिट्ठी तो निकालनी है कि भैया चुनाव लड़ेंगे हम, बच्चे लड़ लेते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि बच्चों में पहले से इतने ज्यादा ग्रुप बन रखे तो मैंने उसको मैदान में पार्टी को नहीं उतारा अभी तक, और आपको पूछे बिना उतारूंगा भी नहीं, आप समझ रहे हो ना कि मैंने पार्टी आपके लिए बनाई है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मजबूत लोग कैसे विधानसभा लोकसभा के अंदर आओ, कैसे लड़ने वाले लोग सत्ता के नजदीक आए, ताकि हमारे उस गांव ढाणी और उस पीड़ित व्यक्ति को जो टकटकी लगा के सरकार चुकते हैं, आज ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, किसान डिमांड करता सरकार हमारी तरफ ध्यान तो कोई नहीं देता भाई, जब तक आपके नेता मजबूत नहीं, और जिन जातियों के नेता मजबूत नहीं है, जिन जातियों के विधायक एमपी नहीं है, उनकी संख्या बहुत है, उनको कोई नहीं पूछता। ये सारा सिस्टम, ये सोशल मीडिया का जो युग है, इसका उपयोग भी है दुरुपयोग भी है, अपना उपयोग की तरफ देखना है, दुरुपयोग की तरफ ध्यान ही मत दो, हर सिक्के का दो पहलू होते हैं। उपयोग ये है कि हम एक दूसरे के नजदीक आए, रात को पोस्ट डाली कि मैं आ रहा हूँ, देखिए आप हजारों के अंदर ही आ गए, ये सोशल मीडिया नहीं होता तो दोस्तों को फोन नहीं कर पाते, तो ये उपयोग है, एक आह्वान करते ही अपना आप लोग चल पड़ते हो, हमें सही दिशा में चलना है, हमें निकम्मी राजस्थान की सरकार को झुकाना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार छात्रों की जीत कराएंगे, शासन चुनाव भी कराएंगे, उसके बाद चुनाव के अंदर जो नई सरकार आएगी उसमें ऐसा कानून भी बनवा देंगे कि शासन चुनाव अपना नियत तिथि हो वो रुके नहीं, ताकि हाईकोर्ट के अंदर भी मैं हार नहीं देंगे। सरकार क्या करती है, कई बार अपने ऊपर सरकार नहीं लेती, वो कोर्ट से रोक लगवा देती पिछले दरवाजे से, और फिर हम क्या करें, कोर्ट चले गए, पुलिस वो भी नहीं होते हैं, वो भी नहीं होते। एक पुलिस की परेशानी की जो बात करी है, आज ही कमिश्नर से मैं पूरी बात करूंगा, आज मैं मिलूंगा व्यक्तिगत रूप से कि पुलिस कैंपस के अंदर बिना फालतू एंट्री नहीं करे। मुझे ये भी बताया था कि पुलिस के कुछ वैन, कुछ जो ये लड़के हैं गर्ल्स हॉस्टल के आसपास, अगर ऐसी कोई दोबारा हरकत हुई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े कि नहीं बिगड़े उसकी परवाह हम लोग नहीं करेंगे। कमिश्नर को साफ साफ हम ये बता देंगे कि पुलिस बिना वजह कैंपस में नहीं घूमे, पुलिस से बाहर सड़कें तो रखवाली हो ही नहीं रही है, कैंपस में क्या करेगी पुलिस, थानों का ध्यान रखें, कम से कम एक काम करें, थाने में कोई दारू पी के सीए ही नहीं पड़ा रहे, ये भी ध्यान रखें। उसका प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा था पुलिस के खिलाफ नहीं, पुलिस में अच्छे लोग नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लोकतंत्र है भाई, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ी है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र के अंदर
चुनी हुई सरकारों की चलती, बाकी सब राजकीय कहलाते हैं, राजकीय कार्मिक, जन सेवक मतलब जनता के सेवक। जनता पर जो टैक्स करता है, जो पेट्रोल 100 रुपए दे रहे हैं, इनके तो 20 रुपए भी कर सकते हैं, तो कौन मना कर रहा है? ले रहे हैं टैक्स आपसे, टोल टैक्स ले रहे हैं, आपकी जीएसटी जो इसके अंदर आपका इनकम टैक्स ले रहे हैं, हर टैक्स आपसे ले रहे हैं, उसके बदले इनको भर्ती और दूसरे लोगों को खड़ा कर देते हैं आपके सामने। मैं चेतावनी देता हूँ राजस्थान की पुलिस को, कमिश्नरेट को, बिना वजह राजस्थान उच्च न्यायालय कैंपस के अंदर अगर आपने किसी के साथ बदमाशी की, आईडी चेक करने की आड़ में अगर बदतमीजी की, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। और आप भी एक काम कर लो, उसका नाम नंबर लिख लो, वो जिंदगी में दोबारा देखेगा अपने यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मेन मकसद है।